नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान काफी ज्यादा हिट रही, लोगों को पसंद भी आई। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति और नयनतारा के किरदार को भी खूब पसंद किया जा रहा है, खासकर नयनतारा के किरदार को। इस फिल्म में आपको नयनतारा एक लेडी पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और उनके स्टंट्स और उनकी एक्टिंग ने इस फिल्म में मानो चार चांद लगा दिए हो। जी हाँ, वो अपने गेटअप में गजब ढा रही हैं। उनकी गजब की फिटनेस की वजह से उनका लेडी ऑफिसर वाला लुक निखर के सामने आ रहा है। यकीन मानिए, उनकी फिटनेस एंड ब्यूटी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो 38 इयर्स की हैं और दो बच्चों की माँ हैं। ऐसे में लाजमी है कि नयनतारा का फिटनेस रूटीन आप तक पहुँचाना। तो आज के इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं नयनतारा का फिटनेस मंत्रा आखिर है क्या। दोस्तों, आप में से बहुत लोग होंगे जो टाइम का बहाना करके जिम, वॉकिंग या योगा नहीं कर पाते, लेकिन सच बताएं, फिट रहने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। नयनतारा कुछ इसी चीज को फॉलो करते हुए अपनी फिटनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, ना ही कोई बहाना बनाती है। अनलेस एंड अनटिल उनकी तबीयत खराब है तो वर्कआउट नहीं करती, बॉडी पेन में है तो भी वो वर्कआउट नहीं करती, बॉडी पे स्ट्रेस नहीं देती, नहीं तो वो हफ्ते के 7 दिन वर्कआउट करती है। वैसे वो अपना दिन शुरू करती हैं जॉगिंग या फिर ब्रिस्क वॉक के साथ, जो उनकी कैलोरीज को बर्न करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसके बाद वो जिम जाती हैं, जहां पर करीब 1 से 1.5 घंटा वो एक्सरसाइज करती हैं। जिम ट्रेनर के सुपरविजन में वो अपनी एक्सरसाइज करती हैं, जैसा वो बताते हैं वो उसी हिसाब से एक्सरसाइज करना पसंद करती हैं। आपको बता दें, नयनतारा के जिम रूटीन में शामिल होता है स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप, ब्रेंच प्रेस, क्रंचेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डअप करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, कैलोरीज को बर्न करने के लिए नयनतारा के रूटीन में ये सब एक्सरसाइजेस शामिल है। आपको बता दें, जिम वर्कआउट के अलावा नयनतारा रोज योगा भी करती हैं। खुद को फोकस्ड और खुद को शांत करने के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाता है, बॉडी बैलेंस को बनाता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर को काफी ज्यादा सुधारता है। और इन्हीं फायदे को देखते हुए नयनतारा भी रोज योगा करती है, जिसमें सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन, उत्तान आसन करना वो पसंद करती हैं। दोस्तों, वर्कआउट के साथ साथ फिट रहने के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। नयनतारा अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए सभी तरह के हेल्दी फूड्स खाती हैं, वेट को भी मेंटेन करने के लिए वो बैलेंस डाइट लेती हैं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट और एग्स शामिल हैं। वो अपनी डाइट में किसी भी तरह की प्रोसेस्ड शुगर नहीं लेती हैं और अपनी डाइट से रिलेटेड इस एक रूल को लेकर वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं। आपको बता दें, सॉलिड फूड आइटम्स के अलावा नयनतारा को पूरे दिन भरपूर पानी का सेवन करने का भी शौक है। इसमें सूप, फ्रेश फ्रूट जूस, नारियल पानी शामिल है। नारियल पानी से तो वो बेहद प्यार करती हैं और दिन में करीब 1 से 2 नारियल पानी पी ही लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको वेट को मेंटेन करना हो या वेट को कम करना हो तो आपको ना अपनी डाइट में नारियल पानी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके वेट को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं चीट डे की। नयनतारा हर बार अपनी क्रेविंग से बच नहीं पाती और चीट डे के दिन वो हैदराबादी बिरयानी के साथ साथ चाइनीज डिशेस खाना भी पसंद करती हैं, लेकिन अगले दिन इसको मेंटेन कर लेती हैं थ्रू हर वर्कआउट। कुछ इस तरह से नयनतारा खुद को मेंटेन करती हैं, खुद की फिटनेस को मेंटेन करती हैं, खुद की ब्यूटी को मेंटेन करती हैं। तो सच मानिए, स्पेशली मदर्स के लिए उनका ये डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन और ओवरऑल फिटनेस रूटीन काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। अगर आपको भी लगा है उनका फिटनेस रूटीन इंस्पायरिंग, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।